डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये एनसीईआरटी का मैथ क्लास सिक्स का मैथ है, एक्सरसाइज 7.4। इसके पहले के जितने भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें क्या कह रहा है, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग। यहाँ पे इसका आंसर निकालने के लिए कह रहा है, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। इसको इसका आंसर निकालना है और बतलाना है कि आप किस प्रकार से इसको सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे इज इतना इक्वल टू इतना, तो ये फ्रैक्शन जो है क्या इसके बराबर है, इसके इक्विवेलेंट है, तो है या नहीं है, इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने दो पार्ट ले लिया है, ए और बी, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका जो है कई सारा अपना सकते हैं, लेकिन जो तरीका बुक में बताया गया है उसको आप कर सकते हैं। तो हम लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल है या नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 जाए 25 हो गया, इधर 25 आ जाएगा, और 9 जा 36 हो गया, तो ये 25 आ रहा है, ये 36 आ रहा है, इक्वल तो नहीं है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आप जो है जो डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए, वही लाइक फ्रैक्शन होता है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम किया जाता है। तो 9 और 5 का एलसीएम पहले करते हैं, 9 और 5, इसका अगर एलसीएम हम लेते हैं क्या आएगा, तो ये कुछ कटने वाला है नहीं, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका मतलब है कि ये 45 आ जाएगा, 45, 95 जा 45। तो इन दोनों फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर जो है उसको 45 करना होगा। तो हम पहले लिखते हैं 5/9, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमको नीचे में देखना है मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि ये 45 बन जाए, तो इसको हमको 5 से करना होगा, 95 जा 45, तो ऊपर में भी उतना ही नंबर रखना है, 5 को ही रखना है। तो यहाँ पे 5 जा 25 हो गया, और यहाँ हो गया 45, और फिर से दूसरा फ्रैक्शन लेना है, 4/5 लेना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको करना है 9 से, तो ऊपर नीचे दोनों जगह 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 9/4 जा 36 हो गया, और यहाँ पे हो गया 45। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दो फ्रैक्शन जो है, तो इसमें बड़ा छोटा हो जाता है, तो ये जैसे कि जो बड़ा है वही बड़ा और जो छोटा है वही छोटा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है। तो ये बड़ा छोटा हो रहा है, इतना इसका मतलब है कि इक्वल नहीं है। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा हो रहा है, 36 आ रहा है, तो हम क्या दिखा सकते हैं इसको, 5/9 लेस देन 4/5, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट इक्वल, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी वही फंक्शन होगा, तो यहाँ पे हम इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 16 और 9 का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं, और उसके बाद जो है इसको हम मिटा लेंगे, 16 और 9, तो क्या ये कटने वाला है, यहाँ पे 2 से कटने वाला है नहीं, 3 से भी, 6 और 1 7 हो रहा है, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, और कटने वाला नहीं है, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 16/9 जा कितना होता है, तो 16/9 जा होता है 144। अब दोनों फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को 144 बनाना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले 9/16 है, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16/9 जा 144 मिला है, तो यहाँ पे इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिल जाएगा 144। तो 9 इक्वल टू कितना हो गया, 9/9 जा 81 हो गया, और यहाँ पे हो गया 144। और इसको 5/9 को क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 16, तो यहाँ पे 144 हो गया, 16 5 जा कितना हो गया, 16/32 16/43 16/84 84 80 हो गया, 80 बाय ये कितना हो गया 144 इतना। तो अब देख सकते हैं दोनों में 144 है, तो इक्वल आ रहा है क्या, इक्वल नहीं आ रहा है, 81 आ रहा है और 80 आ रहा है, इसका मतलब इसका कितना आ रहा है, तो बड़ा कौन आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, 9/16 बड़ा है, ग्रेटर देन 5/9, इसका मतलब है कि ये भी नॉट इक्वल है, तो हम इसमें भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल, और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सी और डी पार्ट यहाँ पे है, तो ये इक्वल है या नहीं है इसको पता करने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे एलसीएम, पहले हम लोग इसको देंगे, या फिर ऐसे डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ऐसे 16/5 जा कितना होता है, 80 होता है, और यहाँ पे 24 जा भी 80 होता है, इस तरह से 80 और इस तरह से भी 80 इक्वल आ रहा है,
लेकिन फिर भी हम लोगों को प्रोसेस में बनाकर दिखाना है। जैसे कि एलसीएम, एलसीएम जो है इसका ले लेते हैं हम लोग, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 5 और 20 का। जब छोटा का टेबल में बड़ा नंबर आता है तो एलसीएम उसका जो है बड़ा नंबर ही होता है, 20 होगा इसका एलसीएम, 20 होगा। बना के भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो ये 5 से जाएगा, 5 वन बार में गया, 4 बार में गया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 5 4 20 होगा, तो एलसीएम क्या हो गया, 20 हो गया। तो एलसीएम इसको 20 रख लेते हैं, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब यहाँ पे सब फ्रैक्शन को हमको डिनोमेटर को चेंज करके 20 करना है, तो 4/5 है, तो इसको 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 4 16 हो गया और यहाँ पे 20 हो गया। उसके बाद यहाँ 16 है और 20 है ये, तो इसको 20 ऑलरेडी इसमें है ही, तो इसमें क्या करना है, 1 से कर देते हैं, तो इसमें क्या हो गया, 16/20 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो फ्रैक्शन जो है ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/5 इक्वल 16/20, तो ये जो है इक्वल, यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल, इक्वल आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद यहाँ पे हम इसको देखते हैं डी नंबर में, इसको 15 और 30, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू, अगर हम एलसीएम इसका लेते हैं 15 और 30, तो जैसे कि इसका टेबल में 15 का टेबल में 30 आता है, इसका मतलब इसका एलसीएम 30 होगा। बना के देख सकते हैं, तो इसको हम रख लेते हैं, ऑलरेडी यही होगा, तो 30 होगा, तो हम इसको 15 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 30 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2, तो कितना मिल गया, 2/30, और इसको 4/30, मेरे पास ऑलरेडी 30 है ही, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 4/30, तो इक्वल तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, 1/15, ये जो है बड़ा कौन सा हो गया, तो बड़ा है ये छोटा, फर्स्ट वाला जो है छोटा है, तो ये लेस देन हो जाएगा और 4/30 हो गया, मतलब इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के लास्ट में कहा गया है कि आपने कैसे इसको सॉल्व किया, हाउ यू सॉल्वड देम, आपने कैसे सॉल्व किया इसको इंडिकेट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सभी फ्रैक्शन जितने भी थे उसको लाइक फ्रैक्शन बना दिया। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं वी, इस तरह से लास्ट में जब सारा इसका सब पार्ट कंप्लीट हो जाए डी तक, तो लास्ट में हम इसको दे सकते हैं वी सॉल्वड इट बाय कन्वर्टिंग टू ए लाइक फ्रैक्शन। हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए इसके जितने भी फ्रैक्शन था उस सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इसको सॉल्व किया हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।